हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। और आज संडे, संडे को बहुत काम रहता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि संडे को बहुत सारा काम रहता है, तो आज मैंने हफ्ते भर के कपड़े पूरे धोए हैं और अभी तक मैंने और गद्दा भी ऊपर सूखने के लिए डाल के, हाँ गद्दा भी ऊपर पड़ा हुआ है, मेरा सारा घर ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि मैं आ चुका हूँ और ये अभी नहीं है। केवल यही नहाए, नाश्ता पानी कर लिया है उन्होंने, अब जा रही है मेरे लिए नाश्ता लेने। तो मैं मामा की कचौड़ी लेने जा रहा हूँ। मामा की कचौड़ी बहुत फेमस है। वो जब हम लेने नहीं आ रहे तो हमको टोकते हैं कि आप हमारी कचौड़ी लेने नहीं आए, नुकसान कर दिया हमारा 50 रुपए का, तो हम अब जाएंगे कचौड़ी लेने। दोस्तों आरती हो चुकी है, भोग प्रसाद लगा दिया है मैंने और अब मैं जा रहा हूँ मामा की कचौड़ी लेने। तो दोस्तों घर से निकलते ही मम्मी मिल गई हैं। मम्मी बड़े भैया के साथ में रहती है और ये मम्मी है मेरी। राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। और सुबह सुबह इनके चरण स्पर्श तो नहीं चाहिए। अरे मम्मी बहुत प्यार देती है मुझको, रहती बड़े भाई के साथ में, लेकिन इनका सारा प्यार मेरे साथ में है। थोड़ा सा दुखी इसलिए हैं क्योंकि 2-3 दिन पहले मौसी जी हमारी एक्सपायर हो गई थी और दुख तो होता ही है, सिस्टर थी मम्मी की और थोड़ा सा दुखी है मम्मी। मौसी जी का थोड़ा सा दुख है, मैं जा नहीं पाया, जाना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा छुट्टी चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 160-170 किलोमीटर है। वहाँ भाइयों से मिलके भी आना है लेकिन छुट्टी लेनी पड़ेगी उसके लिए, तब जाएंगे। तो दोस्तों घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है मामा की रेडी। मामा की रेडी दिखाने से पहले मैं आपको, हमारे पास में ही है माँ काली का मंदिर, अटाल छत्र की जय, महामाई की जय। ये है महामाई के दर्शन कर लो। ये बिजलीघर परिसर में स्थित है, पागल बाबा मंदिर के नज़दीक जो बिजलीघर परिसर है वहाँ है माँ काली। दर्शन के बाद में देवादिदेव महादेव के दर्शन भी कर लीजिए। तो ये है महामाई का भवन नटवर कुशवा। ओके हेलो। और मेरी यहाँ एक छोटी सी शॉप है पागल बाबा मंदिर के गेट के बगल में, डेजी टी स्टॉल के नाम से। कभी अगर आओ तो हमारे शॉप पर चाय पीना और बहुत ही अच्छी चाय मिलती है। और इनकी सेवाएं अभी आरटीओ ऑफिस पर भी चल रही है, आरटीओ ऑफिस पर भी चल रही है हमारी सेवाएं। वहाँ हमारा काम है और लाइसेंस वगैरह बनवाने का, अगर किसी को भी बनवाना है तो हमसे संपर्क कर ले। हमारा नंबर है 7249945344। दर्शक ये भी है, नाम बताओ भैया पहले अपना। आकाश पारा सर। ये आकाश पारा सर जी हैं, इनकी शॉप है पागल बाबा मंदिर के गेट पे, गेट बगल में के साइड में। हाँ तो कैसा चल रहा है माहौल इस चीज का, चुनाव का? अच्छा चल रहा है। और दुकानदारी कैसी चल रही है? बिल्कुल मट्टी में, मट्टी खराब है दुकानदारी की तो। अच्छा। और कोरोना? कोरोना तो है ही नहीं है। कोरोना है नहीं है फिर भी पब्लिक नहीं आ रही, पब्लिक आई नहीं रही है चुनावों की वजह से, नहीं आ रही चुनावों की वजह से नहीं आ रही। किसका हल्ला है वैसे? वैसे तो मथुरा जिले से श्रीकांत शर्मा आएगा, हम तो गोवर्धन क्षेत्र में या गाँव अखरूर है। अच्छा अच्छा। हाँ क्या नाम भैया? पप्पन। पप्पन। हाँ पप्पन जी कौन आएगा है सर? कौन आएगा बताना, कौन आवेगा? कौन आवेगा? बीजेपी। बीजेपी? अच्छा बीजेपी वाले हैं ये भी। पागल बाबा मंदिर के दर्शन करा दूं मैं आपको। संडे के टाइम यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन ये पागल बाबा मंदिर, अब हम आ गए हैं नथुआ मामा की रेडी पे। ये है नथुआ मामा। हेलो, आए तो कर दो, राधे राधे बोल दो। राधे राधे। और ये देखो धक्का धक लगे पड़े,
अपनी कचौड़ियां बनाने में। कौन जीत रहा है इस बार मथुरा वृंदावन से? कोई पता नहीं चल रही। बीजेपी ने करा क्या? अच्छा, बीजेपी तो इंसानों खा गई और बेच के। ये लो, बीजेपी इंसानों को खा गई है भैया का कहना है। ये तो आने वाला। ये लो 1500 रुपए की रसीद काय की कट दी आप? पूरा उठावे की और यहाँ लगावे की जगह तो आप उठवाते नहीं हो। तो हम तो अपने आप डस्टबिन में डाले उसमें। अच्छा, डस्टबिन में डालते हो फिर काय को 1500 रुपए कट गए? 1500 रुपए की रसीद कट गई। कोरोना चल रहा साहब, कोरोना कोई दवाई तो खाई नहीं भाई। कोरोना की जो बीमारी डॉक्टर ने समझ पाए वो मोदी जी पढ़ाई करके आए जी बीमारी की। ये लो, एक बीजेपी वाले भी मिल गए यहाँ पर। हाँ भैया, इधर आओ। हाँ ले भैया, बताओ किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम? हाँ, अरे बीजेपी कर रहे हो, कौन कर रहे हैं? अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ। तो कैसे सपोर्ट कर रहे हो ये बताओ? क्वेश्चन देखेंगे, हम पे कहाँ धरोगे सपोर्ट करेगा? वोट दोगे? और ये लोग तो कह रहे हैं बीजेपी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? सरकार पर दिया सरकार। अच्छा, बातें। अरे एस के शर्मा तो वहाँ हाथी से लड़ रहे हैं। अब का करे सर, जब बीजेपी गड़बड़ कर रही तो का करता है? अच्छा, तो अब बीजेपी को सपोर्ट नहीं करोगे, बीएसपी को सपोर्ट करोगे? और कौन करेंगे? गुजरात और कौन सपोर्ट? अभी तो कह रहे थे बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो गड़बड़ हो गई भाई। मामा कितने रुपए की देते हो कचौड़ी? मध्य है, 15 रुपए की दो है। बता, 15 रुपए की दो दे रहे हो, इसमें खर्चा चल जाता है पूरा? अब क्या करें, खर्चा चलाते। अब ये और 1000 रुपए की रसीद कट गई महीना में। अब देखिए, मामा का खर्चा नहीं चल रहा है तो इंसान का पेट तो भर रहा है 15 रुपए में। सही बात है। और क्या चाहिए? सही बात है। 15 रुपए में बीजेपी के राज में तो पेट भी खाली करवा दिए। सही बात है। इंसान मरवा दिए। सही बात है। तो मामा सिर्फ लोगों के पेट ही भर पा रहे हैं और अपना घर खर्चा थोड़ा बहुत चला पा रहे हैं। बस यहाँ क्या है, वही आ गया। किसी को यहाँ हवाले काबू आदमी में रख लो, कारीगर रखो तो कहा बचा वो कचूर? कुछ नहीं बचा, वो तो हमें यहाँ काबू देना, मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, मदरबोर्ड सर्च करने आए थे AMD प्रोसेसर का, वो तो मिला नहीं। बोल रहे हैं कि ऑर्डर करना पड़ेगा तब आएगा, पुराना प्रोसेसर है। तो जब कोई काम हुआ ही नहीं है तो फिर क्या करें? सही बात है। तो कैंटीन अभी लग रही है भूख फिलहाल में, तो है ना, अभी लग रही है फिलहाल में भूख, तो हम आए यूनाइटेड कैंटीन पे। और अब डैम्पियर मथुरा आओ तो डैम्पियर में इस कैंटीन पे समोसा जरूर खाना। मैं खाऊंगा फ्राइड इडली, तो मैं भी खा लूंगा। हाँ, यहाँ पे खाएंगे से क्या होता है? वैसे तो समोसा सोच के आए थे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्राइड इडली खाऊंगा। अगर समोसा अच्छा लगेगा भैया के साथ समोसा भी खाएंगे, समोसा फ्राइड इडली हम दोनों खाएंगे। चलिए आइए और चलते हैं, वो खाते हैं फ्राइड इडली और समोसा। और दो समोसे मथुरा आए आप यूनाइटेड कैंटीन पे आना, यहाँ इनका कचौड़ी समोसा सब बहुत अच्छा है। ये प्याज का समोसा है और लोग इसके दीवाने हैं, वाकई में टेस्टी है भैया। समोसा तो बहुत आए होंगे, बहुत अच्छा है, पैसा नहीं खा इसका जवाब नहीं है ना। तो दोस्तों, अभी आ गए हैं राधा रानी रसगुल्ला भंडार। ब्रजवासी के बाद में अगर किसी की मिठाई अच्छी लगती है यहाँ, यानी बनती है, तो वो है राधा रानी रसगुल्ला भंडार। अभी देवेश बाबू लग रहे हैं लेने में। क्या क्या लिया है बताओ? मुठिया लड्डू लिए आधा किलो, चूरमा के लड्डू लिए आधा किलो, चूरमा के लड्डू आधा किलो, और दो समोसे और राजभोग तो हमने खा लिया। दो राजभोग खा चुके हैं हम लोग। और ये हमारे राधा रानी स्वीट्स वाले भैया हैं, हमारे इतना अच्छा समोसा बनाते हैं भैया, एक बार हाथ दिखा। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ से। दोस्तों, काम तो बना नहीं, लेकिन घूमते फिरते खाते पीते चले आ रहे हैं। और अभी आ गए हम बिरला मंदिर। बिरला मंदिर पर भाई का मन था कि सोडा पी लेते हैं, और सोडे के लिए हमने बोल दिया है, दो सोडे बन के आ भी गए हैं। और बहुत फास्ट सर्विस है इनकी, और अगर आपका कभी मन करे सोडा पीने का या चाट भल्ला टिक्की खाने का, गोलगप्पे खाने का, तो बिरला मंदिर मथुरा वृंदावन के सेंटर में है।
वाले आ सकते हैं यहाँ से अच्छा सोडा और यहाँ से अच्छी चाट पकौड़ी टिक्की बल्ले कहीं नहीं मिलेंगी, गोलगप्पे कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप बिरला मंदिर आ सकते हैं। तो अब सोडा आ चुका हमारा, सोडे का आनंद उठाते हैं और बताते हैं आपको सोडा का टेस्ट कैसा है। सोडे का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत जोर का मजा आ गया। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के व्लॉग के समापन की ओर। कुल मिला के आज मायूसी हाथ लगी है। मैं और देवेश दोनों बहुत भागे दौड़े, लेकिन पीसी का वो जो मदरबोर्ड है वो मिल नहीं पाया। और असल में उसमें क्या खराबी है ये भी अभी समझ में नहीं आया। दो तीन जगह चेक कराया, एक बार मथुरा गए, फिर दोबारा लौट के आए, फिर एक बार दोबारा गए, जैसे ही पता चला कि कहीं और भी ठीक होता है, और नया भी नहीं मिल पाया है। तो कुल मिला के अच्छी खासी मशक्कत हो गई यार, भाग दौड़ हो गई, भाग दौड़ हो गई है। वही एक लौता है सिस्टम था कि जिससे हम लोग एडिटिंग कर लिया करते थे। और एडिटिंग क्या, वो मतलब मेरा बहुत प्यारा सिस्टम है, लगभग पिछले 7-8 सालों से मेरा साथ दे रहा था। और दूसरी बात यह है कि अच्छी खासी चपत लगने वाली है शायद जहाँ तक है, क्योंकि एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए मैंने किट के बारे में पूछा, तो AMD के Ryzen 5 की अगर किट बनवाता हूँ तो कम से कम 35,000 लग जाएंगे। 35,000 मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, बस यही तीन चीज़ हैं। तो चली जाता यार जब तक नहीं जोगाड़, तब तक कुछ चली जाता यार, क्योंकि ग्राफिक्स का काम और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम जो है उसके लिए थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर होना ज़रूरी है, थोड़ा अच्छा मदरबोर्ड और कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी ज़रूरी है सिस्टम के लिए। तो कोई बात नहीं, हार नहीं मानने वाले, आप लोग हमें सपोर्ट करने वाले हो तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और क्या कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए सभी चैनल, सभी जो मेरी वीडियोस पड़े हुए उनको और आगे तक लेके जाइए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आपको दिख रहा होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है सबकी लाइफ में, और जैसे कि हम लोग की लाइफ में अभी चल रही है, ये समस्याएं चलती रहेंगी और ये जीवन है, जीना है। और हम लोग यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो दोस्तों इसी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज कविता यादव। थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को, शुभ रात्रि। राधे राधे।